मालिनी जी, बहुत दुखद समाचार है कि बॉलीवुड अभिनेत्री का श्रीदेवी का हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए बहुत दुख का और कल्पना से परे एक ऐसा हादसा है, क्योंकि श्रीदेवी मुझे लगता है सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, और बहुत बड़ा एक मुझे एक पूरी पीढ़ी है जो शायद उनके साथ ही जवान हुई, और वो कहीं ना कहीं पर मुझे जो लगता है कि उनकी सबसे जो खास बात थी कि वो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने विवादों से परे रह करके बहुत शांत संतुष्ट जीवन व्यतीत किया। जितनी टैलेंटेड थी उसी हिसाब से अपनी उम्र के साथ भी उन्होंने समझौता किया, और बाद में इतनी शालीनता और ग्रेसफुली उन्होंने जो अपनी सेकेंड इनिंग्स खेली वो इतनी कमाल की, उसमें आप इंग्लिश मॉम जितनी भी फिल्में आप देखें तो, और पूरी तरह से मैं कह सकती हूँ जो भारतीय परंपरा के जो साक्षात प्रतिनिधित्व कर सकती हैं उस लेगेसी में श्रीदेवी जी को मैं मानती हूँ कि उनकी साज श्रृंगार हो, उनका व्यक्तित्व हो, उनके नृत्य अभिनय क्षमता हो, चॉइसेस ऑफ फिल्म भी हो बाद में, तो भी एक ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी तरह से इंडियन, बड़ी आंखें, गजरारी, हमेशा साड़ियों में गजरा लगा करके, और सबसे बड़ी बात ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो जीवन अपनी शर्तों पे जीते हैं, चाहे वो निजी जीवन हो या फिल्मी जीवन हो, और दोनों में उन्होंने अपने शर्तों पे जीवन जिया और बखूबी उसको निभाया। जी जी, ये बड़ी गरिमा के साथ, कभी जबरदस्ती किसी विवाद में नहीं पड़ी, कभी कोई चीज बोली नहीं उन्होंने। कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर कोई उनकी कोई कोई चीज आपको याद हो जो आप हमसे शेयर कर सके? अभी 2-3 महीने पहले मुलाकात की थी वो हमें, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई थी वो अपने पति के साथ ही। जी, और इनफैक्ट हम लोग एक ही जगह पे रुके थे ताज पे, और डिनर हम लोग इनफैक्ट 2 टेबल छोड़ करके ही ले रहे थे इटालियन। तो तब मैंने देखा उनको, तो एक बहुत ही लगता ही नहीं था देख करके कि ये वही एक्ट्रेस है जो चालबाज से लेकर के जिन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया से लेकर के कमाल का जिन्होंने अभिनय किया हो, वो लगता था कि वो कोई और है। ये एक निजी जीवन में जो एक उन्होंने संतुलन बना के रखा था वो बहुत मुझे, क्योंकि मैं खुद वैसी ही हूँ कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा खूबसूरत, और इस समय भी पारिवारिक आयोजन में ही गई हुई थी। जी जी, तो ये एक लगता रहता है कि मृत्यु कितनी क्रूर हो सकती है और कितनी आकस्मिक रूप से धोखा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जाना देखकर यही लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया।